अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्कूल नंबर 2 गर्ल्स के करीब मेरे दोस्त है, रेडी लगाता है, दाने बुनता है मुख्तलिफ अकसाम के। उसका मैंने आज मुख्तसर सा इंटरव्यू किया है, वो अपने नाज़रीन को सुनाता हूँ कि वो क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और इससे मैं अक्सर दाने लेकर जाता हूँ। आज इसका इंटरव्यू करते हैं, इससे पूछते हैं जी इसका नाम पूरा क्या है। मेरा नाम पूरा सिराज है, सिराज नाम मेरा। और आपका इलाका कौन सा है? चारसदा। चारसदा जिला चारसदा है। अच्छा, कितने अरसे से दाने बोन रहे हैं? मेरा अंदाजा तर 35 साल से ऊपर हो गए इंशाल्लाह, 35 साल। ये काम किससे सीखा है? मैं खुद सीखा है ना, गरीबी से। गरीबी ने सिखाया है? गरीबी ने सिखाया है ना। कितने बच्चे हैं? मेरा टोटल 5 बच्चे हैं। कितने बेटे कितनी बेटियाँ? 2 बेटे 3 बेटा। ये जो दाने आप हो रहे हैं 35 साल से, इसमें गुजारा हो जाता है? बस गुजारा से गुजारा होता है ना, कुछ भी नहीं बनते, बस सिर्फ पेट भरने बस। अच्छा, हाँ। दाने कहाँ से लाते हैं, कच्चे दाने? कभी पिंडी से लाते हैं, चली इधर से लेते हैं। तो ये जो आजकल महंगाई है, इसमें गुजारा कैसे हो रहा है? इसमें कुछ नहीं होता है, महंगाई आजकल महंगाई बहुत हो गया। अच्छा, हाँ, अभी कुछ नहीं बनते, बस सिर्फ ऐसे काम चला। दाने लाते सस्ते होते थे, आप सस्ते हैं? पहले सस्ता था, अभी महंगा था। किसका दौर अच्छा था, नवाज शरीफ का, इमरान का? ये जिया दौर में अच्छा तो होता है। किसका? जिया साहब। जिया साहब का? हाँ, जिया साहब का दौर अच्छा होता है। ठीक है नाज़रीन, ये सराज की बातें आपने सुनी है। इसी के साथ मुझे अटक टूडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।